हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल टाइम बीएबीटी में। आज हम बात करेंगे एसएमबी पोर्ट एक्सप्लोइटेशन। सो मैं जल्दी ही मेरा काली लिनक्स पे चला जाता हूँ। इसमें मेरा आईपी मेटास्प्लॉइट का जो आईपी है मैं देख लेता हूँ। ये देखिए 192.168.64.133, इसको हम एक्सप्लोइट करेंगे। तो मैंने सिंपल कमांड लगाया एनमैप माइनस pn props minus i for aggressive script sc v for verbose 192.168.64.133। सो इसमें हमने ftp port 20 नंबर एक्सप्लोर किए थे, bsftp 234 एक्सप्लोरेशन किए थे। उसमें हम जाएंगे सांबा पोर्ट, जो कि आप इधर देख सकते हो। ये सांबा 139 और 445 पे देख सकते हो, नेट बायोस ssh ssn सांबा SMDB 3.x4.0 वर्क ग्रुप, और इसमें बता रहा है कि सांबा 3.02.0 डेबियन। तो इसको कॉपी करना है हमें, और उसमें जाके गूगल में हमें सर्च करना है इसका एक्सप्लॉइट। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हो। इसमें देखो सांबा यूजर नेम मैप स्क्रिप्ट कमांड एजुकेशन, ओके, इसको क्लिक करो और उसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। यूज पोर्ट ओके, सो टारगेट का नाम करें, एक्सप्लोर करना है सिंपल। उसमें हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अभी कॉपी जाएंगे मेटास्प्लॉइट पे हमारा। सो एक सेकेंड, दूसरा पे हमारा मेटास्प्लॉइट ओपन होगा। ओके, इसमें डायरेक्ट सर्च करो सिलेक्शन यूजर मैप स्क्रिप्ट। ओके, सो ऑप्शन क्या क्या मांगा है हमें दे देना है। इसमें देखो सेट आर होस्ट, ओके, सेट आर होस्ट टारगेट का आईपी दे देने का हमें 192.168.64.133। ओके, और कुछ बोला है नहीं, इसको डायरेक्ट करेंगे एक्सप्लोइट, और कुछ करने का नहीं, डायरेक्ट एक्सप्लोइट करने का। सो इसमें बेस्ड अपॉन वल्नरेबल आप एक्सप्लोइट ढूंढ सकते हो और उसको रन कर सकते हैं। मैंने ये देखो कमांड सेल सेशन वन ओपन, एक सेशन क्रिएट हो गया, तो इसका अभी सेल मिल गया हमें। आई एफ कॉन्फिग करो, आप देखोगे मेटास्प्लॉइट का आईपी आएगा, राइट 192.168.64.133 UMI रूट और क्या डिट इज पासवर्ड होस्ट नेम, सॉरी मैंने क्या डिट इज पासवर्ड रॉन्ग किया, कैट /etc/passwd, इसमें भी /etc/passwd, ओके। और आप चेक कर सकते हो होस्ट नेम मेटास्प्लॉइट, बराबर ये हमको सेव मिल गया। तो इसमें क्या करना है, हमें सांबा का वर्जन दिखना है और उसको एक्सप्लोइट ढूंढना है। सांबा यूजर नेम मैप स्क्रिप्ट कमांड एजुकेशन, या मेटास्प्लॉइट का और एक फीचर से, जैसे कि मैं इसको दूसरा इस पे चला जाता हूँ, और इसमें आप ये कर सकते हो, जब भी कोई भी रिलेटेड चीज़ें मिलता है तो इस तरह आप बैकग्राउंड नो बैकग्राउंड फोरग्राउंड हुई है, ओके ओके। इसमें हम और एक चीज़ देखते हैं, सर्च SMB इस तरह भी सर्च कर सकते हो। इसमें देखो सांबा का जितना भी पेरोल है वो मेटा MSF कॉन्सेप्ट पे अवेलेबल है, वो दिखा रहे। हमने इसमें यूजर मैप स्क्रिप्ट यूज़ किए थे, आप इधर देख सकते हो MS सांबा का सब अवेलेबल है इधर। तो हमने यूज़ किया था nmap स्क्रिप्ट, हमें ढूंढना है कौन सा नंबर, इसको भी यूज़ कर सकते हो जो ऑक्सिलरी स्कैनर SMB में 70.10। कॉपी, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। P6 इंटरनल ब्लू, ये सब अटैक कर सकते, चेक कर सकते हो। हमें एनमैप वाला यूज किए थे, ओके, DL इंजेक्शन कर सकते हो, इस तरह आप सर्च कर सकते हो। और चलो दूसरा भी यूज़ करके मैं बता देता हूँ आपको, इसको करो यहाँ से डायरेक्ट रन, ओके सॉरी, इसको यूज़ करना था हमें,
ह्यूज ऑप्शन, ह्यूज एक्सप्लोड इस तरह बराबर। अभी सो ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, सेट आरोस्ट ओके, सेट सेट आर होस्ट, सेट आर आर होस्ट, सॉरी 192.168.64.133, सेट नो नो और कुछ नहीं चाहिए, सेट आर होस्ट दे दिया, आर पोर्ट 445, एसएमबी डोमेन नो, ऑप्शन है एसएमबी पास नहीं चलेगा, नो नो ऑप्शन है एसएमबी यूजर नो, हो गया। हम डायरेक्ट इसको करेंगे रन, ये देखो वो डज नॉट अपीयर वल्नरेबल ओके, द टारगेट इज नॉट वल्नरेबल ओके, सो इसमें एसएमबी यूजर नेम और पासवर्ड दे के भी एक बार हम ट्राई करेंगे। इसमें हम सेम करेंगे सो ऑप्शन सेट एसएमबी यूजर एमएसएफ एडमिन, मेटास्प्लॉइट का एमएसएफ एडमिन हो जाता है यूजर नेम, एंड सेट एसएमबी पास एमएसएफ एडमिन। अभी करते हैं हम एक्सप्लॉइट, देखते हैं the target is not vulnerable, as login error open while open up the IPC okay, internal view attack इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरा सर्च करते हैं, सर्च SMB और इस बार दूसरा यूज करेंगे जो कि है हमारा login, इसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरह हम ट्रायल एरर करेंगे और चेक भी करना है हमें, इसको करेंगे यूज और इसको कर देंगे पेस्ट, आ गया सो ऑप्शंस। इसमें कुछ नहीं है, एसएमबी यूजर नेम और पासवर्ड देना है, यूजर फाइल यूजर नेम पास फाइल पॉक्स आर होस्ट सेट आर होस्ट 192.168.64.133, दिखते हैं रन करते क्या होता है, दिखते हैं ओके, ऐसे में लॉगिन ब्रूट फोर्स ओके, यूजर नेम पासवर्ड आप अगर आपके पास पासवर्ड फाइल है तो पासवर्ड फाइल भी दे सकते हो, मुझे इसमें यूजर नेम पासवर्ड पता है तो मैं एक काम करता हूँ एसएमबी यूजर एमएसएफ एडमिन सेट एसएमबी पास एमएसएफ एडमिन, उसके बाद एक्सपोर्ट में करता हूँ EXPL OIT और नो एक्टिव डीबी क्रेडेंशियल डाटा नॉट बी सेव्ड एमएसएफ एडमिन ओके नहीं हुआ ठीक है, क्या रहा है देखते हैं, एसएमबी डोमेन नो पास फाइल ओके आर होस्ट एसएमबी डोमेन यूजर फाइल नो रन हो जाना चाहिए था